जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की, साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशन को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है उनकी सूची भी उनको दी जाए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने महिला मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम करने का अनुरोध किया और पोलिंग बूथ पर पर्याप्त महिला कर्मी पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की भी मांग की ताकि आवश्यकता होने पर महिला मतदाताओं की पहचान, सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्थित रूप से हो सके। कुछ प्रतिनिधियों ने प्रशासन के कुछ लोगों के पक्षपाती रवैये की, यानी कि जो बायस्ड अप्रोच है, उसके बारे में भी शिकायत की और दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने पुलिस द्वारा उनकी रैलियों पर अनुचित प्रतिबंध लगाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके प्रत्याशी भी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि विज्ञापनों का प्रसारण कर सकें। दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने समूचे राज्य में CPF की जल्दी से तैनाती का भी अनुरोध किया। अधिकतर राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार के दौरान धनबल, शराब, मादक पदार्थों और मतदाताओं को फ्रीबीज दिए जाने पर संभावना जताई तथा इसके माध्यम से चुनाव प्रभावित होने की चिंता भी व्यक्त की। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हेट स्पीच तथा रैलियों में बेहिसाब इस्तेमाल किए जाने पर चिंता की। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने पेड न्यूज को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिन मुद्दों पर अपने आयोग के समक्ष रखे हैं उन सभी मुद्दों से आयोग अवगत है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुगम, सहज, सरल और प्रलोभनमुक्त करने के लिए सदैव प्रयासरत है। भारत निर्वाचन आयोग का हमेशा मानना है कि मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। आयोग ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आश्वासन भी दिया है कि हमारा प्रयास स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ चुनाव कराने का है। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस सो दैट हमारा जो मोटो है दैट नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज आवर बेसिक मोटो एंड कमीशन विल डू ईच एंड एवरी पॉसिबल एक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मतदाता पंजीकरण का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है और जो चला है और 5 तारीख को जो ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होना है उसमें हमारे अधिकारियों ने उसमें काफ़ी मेहनत की है और क्या क्या उसके परिणाम हुए हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जिसको हम SSR बोलते हैं, 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15.02 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे। इसके बाद भी नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख तक भी मतदाता क्लेम्स ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। असल में कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि जब ये प्रकाशित हो रही है शायद हमारा नाम उसके बाद इसमें ना लिखा जाए, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके जरिए सभी लोगों को कि ये प्रकाशित होने के बाद भी लोग देख लें, अगर किसी का नाम उसमें नहीं लिखा गया है या किसी का नाम कटने से भी रह गया है तो उस तरह के सारे क्लेमों को वो जो हमारे एक नॉमिनेशन की आखिरी दिन होती है उस तक वो अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो अभी ये नहीं है कि ये ख़त्म हो गया अब हमारा नाम कैसे जुड़ेगा, तो ये जो चिंता है किसी के भी दिमाग में वो आप ही उसको निकाल सकते हैं, आप ही वहाँ तक हमें पहुँचा सकते हैं।